नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। राजस्थान में कोरोना वायरस के क्रोमिगन के 4 नए केस मिले हैं आज राजस्थान में। राहुल गांधी बोले, मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। इस भाषण को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। राजस्थान में एक बार फिर से बिजली संकट छाने वाला है। राजस्थान से ऐसी कहीं बड़ी अपडेट सामने आ रही है, आइए जान लेते हैं राजस्थान की पहली और सबसे बड़ी अपडेट। राजस्थान में क्रोमिगन वायरस के 4 केस और मिले हैं आज। राजस्थान में क्रोमिगन पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। राहत की बात यह है कि जितने भी मरीज क्रोमिगन से संक्रमित मिले हैं वे सभी है, जो सभी नेगेटिव होकर घर लौट चुके हैं। लेकिन आज 4 और केस सामने आए हैं जो पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए एक परिवार के संपर्क में आए थे। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा क्रोमिकॉन पॉजिटिव केस मिले हैं। महाराष्ट्र में अब तक 18 नए मरीज इस वायरस से मिल चुके हैं, जबकि पूरे देश में इसकी संख्या 42 हो चुकी है। दोस्तों, आप भी इस वायरस से दूर रहिए और कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करें। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राहुल गांधी बोले, मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। इस भाषण को लेकर अभी काफी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल जयपुर में हुई एक रैली में ये भाषण दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को जयपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि पूरा देश 4-5 उद्योगपति के हाथों में है, हर संस्था एक संगठन के हाथों में है, मंत्रियों के ऑफिस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के OSD है, देश को जनता नहीं चला रही है बल्कि उद्योगपति चला रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री उन उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। रैली में सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया था। राहुल गांधी ने कहा है कि दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता है, हर शब्द का अलग अलग मतलब होता है। देश के राजनीतिक में आज दो शब्दों के मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुवादी है, ये एक चीज नहीं है, ये दो शब्द अलग अलग हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुवादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू थे और नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या हिंदू और हिंदुवादी अलग अलग है? मेरा मानना तो ऐसा नहीं है, हिंदू और हिंदुत्ववादी दोनों एक ही है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान पहुंची पहाड़ों की सर्दी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते सर्द हवाएं अब राजस्थान पहुंच रही हैं, इससे सर्दी तेज हो गई है। फतेहपुर में बीते 4 दिनों में रात का पारा 0 के करीब है। ऐसा दिसंबर में 7 साल बाद हुआ है कि रात का जमाव 0 पर अटकी हुई है। रविवार को भी यहां रात का पारा 0 डिग्री रहा है, जबकि इससे पहले रात का पारा 1.4 डिग्री रहा था। इसके अलावा रविवार को चूरू में रात का पारा 3.1 डिग्री, सीकर जिले में 5 डिग्री रहा, जयपुर में भी 9.2 डिग्री पारा के साथ सीजन की सबसे सर्द रात रही है। 3 दिन से यहां भी रात का पारा 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। कांग्रेस की रैली में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर उड़ी धज्जियां। कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ जयपुर में हुई रैली में कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी है। जहां दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जितने भी जनता और लोग और औरतें हैं उन्होंने बिना मास्क के रैली में समर्थन किया था। रैली में शामिल होने राजस्थान से ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से लोग आए थे। बहुत से लोगों ने बिना मास्क लगाए ही सभा स्थल पहुंचे थे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और सैनिटाइजर और बार बार हाथ धोने जैसे कोई भी नियम का पालना नहीं किया जा रही थी। क्रोमिकॉन और कोविड वायरस के खतरे के बीच ये रैली पूरी भी हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस रैली का कोरोना वायरस पर कितना प्रभाव पड़ता है। जबकि कांग्रेस ने दावा किया था कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ ये रैली होगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। चलिए अगले अपडेट जान लेते हैं। बिजली बंद। कोटा शहर में निजी कंपनी KDL बिजली आपूर्ति करती है। कंपनी की तरफ से बिजली लाइन की रूटीन चेक किया जाता है, जिसके चलते उनकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए शट डाउन लिया जाता है। सोमवार को भी शहर के कई इलाकों में 7 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक राजस्थान में बिजली बंद रहेगी। जयपुर गोल्डन, आर्य समाज रोड, गुलाब बाड़ी, विक्रम चौक, जगदीश होटल, लाडपुरा, रामपुरा, छोटी समाज, लंबी गली, फतेहगढ़ी, गाड़ी खान, लाडपुरा, हरिजन बस्ती, कालीपाड़ा, धान मंडी आदि में बिजली बंद रहेगी। दोस्तों, ये थी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और ऐसी ही अपडेट जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आई सबसे पहले जानकारी आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।